हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा टॉपिक है सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम किस तरह से फाइंड किया जाता है, आइए एक क्वेश्चन के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, मुझे ये कोई सीक्वेंस दे रखा है, ये कहाँ तक है, इसमें कितनी टर्म है, 20 टर्मों तक है, इसका मुझे सम फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, 1 + 3 + 9 + 27 ऐसे ऐसे है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं क्या चेक करूँगा, ये सीक्वेंस है जो ये एपी में है क्या जीपी में, किस तरह का सीक्वेंस है ये, आइए चेक करते हैं। अगर कोई सीक्वेंस जीपी में होता है तो मैं क्या चेक करता हूँ, उसका कॉमन रेशो, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशो कैसे चेक किया जाता है, ये है A1, ये है A2, यानी कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। आर कैसे चेक करते हैं, A2 / A1, 3/1, क्या 3 आ गया, ऐसी R2, आर क्या आ जाएगा यहाँ से, A3 / A2, तो ये भी क्या आ जाएगा 3, यानी कि हर पॉइंट पे आर की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो इसका कॉमन रेशो क्या है, 3 है। ठीक है दोस्तों, अब सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए दो फार्मूले होते हैं, वो फार्मूले क्या है, आइए देखते हैं। SN इज इक्वल टू A₁ - R⁻⁶ / N / 1 - R, ये फार्मूला कब है, जब R की वैल्यू क्या हो, लेस देन 1 हो, यानी कि जब R की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो मैं ये फार्मूला अप्लाई करूंगा। ठीक है दोस्तों, और सेकंड फार्मूला SN इज इक्वल टू A₁ - R⁻⁶ / N - 1 / R - 1, ये फार्मूला कब है, जब आर की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तब ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे इस क्वेश्चन में देखते हैं हम, आर की वैल्यू के 3 है और 3 का 1 से बड़ा होता है, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, अब फार्मूला अप्लाई करते हैं, एन क्या है, मुझे कितनी टर्मों का सम फाइंड आउट करना है, 20, तो एन की वैल्यू क्या देगा, 20 फार्मूले में वैल्यू रखते हैं, ए का वैल्यू, ए का मतलब क्या था, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे, 1, R⁻⁴ / N, आर की वैल्यू क्या, 3, एन का मतलब 20 अपॉन आर माइनस 1, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 की पावर 20 - 1 अपॉन में 3 में से एक गया 2। ठीक है, यानी कि सम ऑफ 20 टर्म मेरे पास क्या आ गई, ये आ गई, और ये क्या है मेरा, ए, तो ए क्या आ जाएगा मेरे पास, राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप क्वेश्चन, आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है 1 + 1/2 + 1/4, ऐसे चलते चलते इसकी 10 टर्मों का सम फाइंड आउट करना है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं चेक करूंगा ये सीक्वेंस है जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, एपी में है क्या जीपी में है, कैसे जीपी में चेक करते हैं, जीपी में चेक करने के लिए मैं चेक करता हूं कॉमन रेशो, और कॉमन रेशो कैसे फाइंड आउट की जाती है, नेक्स्ट टर्म बटे में प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म मान लीजिए इसकी नेक्स्ट ए टू ये है, बटे में ए वन आएगा, तो यहाँ से क्या आएगा, 1/2, ऐसे ही और चेक करते हैं आर की वैल्यू, नेक्स्ट टर्म 1/4 बटे में 1/2, इसको सोल्व करेंगे तो 2 यहाँ चला जाएगा, 2/1, इसको भी सोल्व करेंगे तो 1/2, यानी कि R की वैल्यू हर पॉइंट पे क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो इसका R क्या है, इसका कॉमन रेशो क्या है, 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5। ठीक है दोस्तों, और 0.5 क्या है, 1 से छोटा है, और 1 से छोटा है तो R की वैल्यू अगर 1 से छोटी होती है तो फार्मूला ये लगता है, तो यानी कि ये वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं मुझे क्या क्या गिवन है, R की वैल्यू तो मुझे पता चल गई, A की वैल्यू क्या है यहाँ पे मेरे पास, 1 फर्स्ट टर्म, और एन क्या है मेरे पास, 10, मुझे 10 टर्मों का सम फाइंड आउट करना, फार्मूला अप्लाई करते हैं तो मुझे S10 फाइंड आउट करना है, हाँ जी, ए क्या है मेरा, 1 - R⁻⁶ / N / 1 - R। ठीक है दोस्तों, इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो 1 की जगह पे 1, तो यह जाएगा 1 - 1/2 / 10 / 1, में से 1/2 गया तो 1/2 रह जाएगा, यहाँ LCM आया 2⁻⁷ - 1/2⁻⁷, ये घूम के ऊपर चला गया 2/1। ठीक है दोस्तों, और 2⁻⁰ क्या होता है, 1024 - 1/2⁻⁰, ये 2 घूम के यहाँ गया 2⁻⁰। ठीक है दोस्तों, इसमें से 1 गया 1023 आ गया, और बेस से मैं पावर क्या होगी, जुड़ गई, तो 2⁻⁰ में से गया 9, और 1024 और 2 की पावर 9 क्या होता है, 512। ठीक है दोस्तों, और ये क्या है, बी, तो बी क्या आ जाएगा मेरा, राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन देखते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टर्म ऑफ द जीपी, इस जीपी की कितने टर्म मैं लूँ भी उनका सम 75/72 बन जाए। ठीक है दोस्तों, तो हाउ मेनी टर्म मतलब एन की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और एस एन, ये इनका सम इतना 55/72 बन जाए, यानी कि मुझे गिवन है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से मैं ए की वैल्यू देख लेता हूँ, ए की वैल्यू क्या है, 2/9 है। ठीक है दोस्तों, आर कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैं फाइंड आउट करके दिखा देता हूँ, A2 / A1। ठीक है दोस्तों, ये घूम के ऊपर चल जाएगा, ये
ये 9/2 हो जाएगा, 3 * 3 = 9, तो आर क्या जाएगा -3/2, इसकी वैल्यू ये रही। ठीक है, -3/2 को -1.5 लिख सकता हूँ, और एक -1.5 क्या है, आर 1 से छोटा होता है, इसलिए ये वाला फार्मूला आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब फार्मूला अप्लाई करते हैं। SN का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सम ऑफ nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, ये वाला आएगा। A की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2/9। ठीक है दोस्तों, 1 - आर की वैल्यू क्या है, -3/2, -3/2 की पावर n अपॉन 1 - आर, ये r की वैल्यू क्या, -3/2, तो -- क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है दोस्तों, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2/9 1 - -3/2 की पावर n, और बटे में ये क्या गया, 2 * 2 और 3 * 2 5/2। ठीक है दोस्तों, ये घूम के ऊपर ऐसे चला जाएगा, तो यह जाएगा 2/9 मल्टीप्लाई 2/5 1 - -3/2 की पावर n। ठीक है दोस्तों, ये एस एन के बराबर है सारा, 4/45 1 - -3/2 की पावर n। ठीक है दोस्तों, एस एन की वैल्यू मेरे पास ये आ गई, यानी कि सम ऑफ nth टर्म ये आ गया, पर एस एन तो मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, यानी कि एस एन को इसके बराबर रख देते हैं, मैं ये मिटा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब एस एन की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, एस एन की वैल्यू ये है, और ये मुझे ऑलरेडी गिवन है, यहाँ रख देते हैं, 55/72 = 4/45 1 - -3/2 की पावर n। ठीक है दोस्तों, अब ये 45 इधर आ जाएगा और ये 4 इधर चल जाएगा, तो इसको सोल्व कर लेते हैं, 55/72 गुणा में 45/4 = 1 - -3/2 की पावर n। ठीक है दोस्तों, ये कट गया, ये कितने पे गया, 24 * 72 और 15 * 45, 3 * 5 = 15 और 3 * 8 = 24। ठीक है दोस्तों, 5 * 5 = 25, 5 * 5 = 25, 26 - 27 और बटे में 8 * 32। ठीक है दोस्तों, इसको सोल्व करके ये आ गया = हाँ जी, ये 1 - है तो 1 इधर आ जाएगा, तो 1 इधर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और उस तरफ क्या बचेगा, माइनस ये वाला माइनस, और -3/2 की पावर n। ठीक है दोस्तों, तो इसको सोल्व कर लेते हैं, 32 सेल्सियम आ गया यहाँ पे, तो 275 -32 बटे में 32 = माइनस के -3/2 की पावर n। ठीक है दोस्तों, 275 में से 32 के क्या होते हैं, 243 / 32 = -3/2 की पावर n। ठीक है दोस्तों, ये वाला माइनस इस तरफ ले लो, तो इस तरफ से माइनस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब इस 243/32 को मैं -3/2 की पावर 5 लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि 3 की पावर 5 क्या होती है, 243, और 2 की पावर 5 क्या होती है, 32, और आगे माइनस का। ठीक है दोस्तों, तो इधर भी क्या है, 3/2 की पावर n। ठीक है दोस्तों, अगर मैं ऐसे कंपेयर करूं, बेस सेम है और बीच में इक्वल का साइन है, तो n की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 5, n की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 5, तो ये क्या है, a, a क्या आ जाएगा मेरा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं क्वेश्चन क्या, जैसे हाउ मैनी टर्म ऑफ द GP, ये कोई GP है, इसकी कितनी टर्म मैं लूँ भी उनके सम ये आ जाए। ठीक है दोस्तों, यानी कि हाउ मैनी टर्म, यानी कि मुझे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है दोस्तों, इसमें a देख लेते हैं, क्या है, a की वैल्यू क्या है, 3, a को फर्स्ट टर्म बोलते हैं, और r क्या है, कॉमन रेशो, कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट टर्म बटे में प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म क्या मान लो 3/2, और बटे में 3 आएगा तो 1/3 ऐसे घूम के हो जाएगा, तो इससे कर देगा तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2, तो r क्या है यहाँ, 1/2। ठीक है दोस्तों, और SN सम ऑफ nth टर्म क्या देखा मुझे, ये 3069/512। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन करते हैं, तो अब पहले क्या है, r की वैल्यू क्या, 1/2 है, 1/2 का मतलब 0.5 होता है, और 0.5 हमेशा 1 से छोटा होता है, तो यानी कि ये वाला फार्मूला आएगा। आइए क्वेश्चन करते हैं, और मुझे SN की वैल्यू क्या है मेरे पास, SN इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, a का 3 1 - r =
एन अपॉन वन माइनस आर। ठीक है दोस्तों, इसको सोल्व कर लेते हैं, थ्री वन माइनस वन बाय टू रेज टू पावर एन अपॉन, एक में से हाफ गया तो क्या होता है वन बाय टू। ठीक है दोस्तों, इसको और सोल्व कर लेते हैं, तो थ्री माइनस वन बाय टू रेज टू पावर एन अपॉन, ये दो घूम के ऊपर चल जाएगा तो दो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा तीन दूनी छः, यानी कि एस एन की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। ठीक है दोस्तों, और एस एन की वैल्यू मेरे पास गिवन है, तो इसको इसके बराबर रख देते हैं। आइए मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ पे, तो एस एन की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, तीन जीरो छः नौ बटे पाँच सौ बारह इज इक्वल टू, ये है मेरे पास एस एन की वैल्यू छः, वन माइनस वन बाय टू रेज टू पावर एन। ठीक है दोस्तों, अब इसको काट देते हैं, हाँ जी ये इसके साथ यहाँ पे कर देगा, तीन दूनी छः जीरो टू थ्री, ये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये टू नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वन जीरो टू थ्री नीचे हो गया, वन जीरो टू फोर इज इक्वल टू वन माइनस वन बाय टू रेज टू पावर एन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये वन इधर आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ वन जीरो टू थ्री बटे वन जीरो टू फोर माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू रेज टू पावर एन। ठीक है, यहाँ वन जीरो टू फोर क्या आ गया, एलसीएम आ गया, और नीचे एज इट इज़ वन जीरो टू फोर इक्वल टू माइनस वन बाय टू रेज टू पावर एन। हाँ जी, इसमें से गया माइनस, इसके साथ ये कट गया। ठीक है दोस्तों, अब 1 बाय 1024 को 1 बाय टू रेस्ट पावर 10 लिख सकता हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, और 1 बाय टू रेस्ट पावर n, ठीक है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो टू रेस्ट पावर n क्या आ गया, टू रेस्ट पावर 10। ठीक है, अब बेस सेम है और बीच में इक्वल का साइन है, तो पावर भी कंपेयर, तो n की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 10। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, n की वैल्यू 10। आई होप आपको ये समझा होगा सम ऑफ ज्योमेट्री प्रोग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से किए जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।